आदाब, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सविता महर्षि एवं मड़ीवाल मछिदेवा की जयंती मनाने के लिए प्रारंभिक बैठक। बीदर दक्षिण क्षेत्र के मुन्नाखेली में आप द्वारा बाइक रैली निकाली गई। सीएम बोम्मई ने अगले 10 साल को सिंचाई का दशक घोषित किया। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस का बनाया खाना परोस रही है, सिद्धरामैया ने कहा। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि सभी मुसलमान खराब हैं, कर्नाटक के मंत्री अश्वथ नारायण ने कहा। पहलवानों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात का आज राउंड 2, कल बेनतीजा रही बातचीत। टी शर्ट छोड़ जैकेट में आए राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जम्मू कश्मीर के कठुआ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। उप जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवंत ने कहा कि सज्जनों का जन्मदिन सरकारी दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों में मनाया जाना अनिवार्य है। वे शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में सविता महर्षि एवं मड़ीवाला मच्छीदेवा की जयंती के अवसर पर आयोजित प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को सविता महर्षि जयंती को सुबह 10 बजे और मड़ीवाला मच्छीदेवा जयंती को सुबह 9 बजे विभिन्न शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जिलाधिकारी कार्यालय में सभी उपस्थित हों। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे और 1 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में महानी के चित्र पर पूजा अर्चना के बाद शुभ यात्रा निकाली। इस अवसर पर कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के प्रभारी सहायक निदेशक गौतम अरली, विभिन्न विभाग के अधिकारी, समुदाय के नेता, संघों के पदाधिकारी और अन्य उपस्थित थे। बिदर दक्षिण क्षेत्र के मुन्नाखेली में आज आम आदमी पार्टी द्वारा नसीम पटेल के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई। ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए रैली निकालकर क्षेत्र में विकास का दावा किया जा रहा है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्षेत्र के विकास का मुद्दा लोगों के सामने रखकर अपनी बात कही है। मैं लीडर नहीं हूं सर, एक वर्कर हूं। मैं एक बिल्कुल एक मामूली किसान के घर से आया हूं। मैं किसान आदमी हूं और किसान का सेवा कर रहा हूं, आम लोगों का सेवा कर रहा हूं और भी सेवा करता हूं। आज तो मैं कोई होदे पे नहीं हूं, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूं। वो सेवा की मेरे को मजदूरी दिए तो बस है, लोग उसी से याद क्या भी नहीं। आज 5,000 आदमी, आज 2,000 एम्प्लॉयज, 5,000 मेरे किसान भाई, उसकी मजदूरी दिए तो बस है मेरे को, उसी से याद तो क्या भी ये नहीं है बोलने का। उसके रास्ते में आज हर गांव में जा रहा हूँ तो लोग खुश है। साहब आप शुगर फैक्ट्री का जो सर्विस दे रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं साहब, उनके घर तक जा रहा हूँ, उनके खेत तक जा रहा हूँ। बिदर के चिमकोंड ग्राम में लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि नेता विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस ग्राम में लोगों को चलने के लिए पक्की सड़क नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है और न ही सफाई का प्रावधान है। इस गांव की हालत ये दर्शाती है कि यहां कोई काम नहीं किया गया है। ग्राम के कार्यों को देखने के लिए पीडीओ अधिकारी होता है, लेकिन इस गाँव की सड़कों को देख कर लगता है कि ये गाँव आज भी 8-10 दशक पिछड़ा हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही लोगों को झेलनी पड़ रही है। कच्ची सड़कें और जलहीन व्यवस्था लोगों को झेलनी पड़ रही है। सवाल यह है कि जन प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। केपी न्यूज अवरिगे इवत्तु नावु केपी न्यूज अवरिगे इंटिमेशन कोट्टिद्वु, नम्मूरिगे उद्योग खात्रियल्लि अवर आगिदे हगण आगिदे अंत हेळिदिवि। पाप नमगे समय कोट्टिदक्के धन्यवादगळु। इवत्तिन दिवस नावु ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಗರಣ ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಗೊತ್ತವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ರಾಜಪ್ಪ ಕೊಳರೆ ಹೊಲ್ದ ಹತ್ರ ಸಿ ಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹಳೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ದುಡ್ಡು ಎಬ್ಬಿಸಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಾದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಗಮ್ಮ ಯೋಜನಾಥಂತಿ ಅವರು ಹೊಲ ಹತ್ರ ಭೀ ಸಿ ಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹಳೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿಂದೆ ಅದ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲ್ದೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಅದು ಭೀ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಊಡ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೊಂಟವ, ಪಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿರ್ಬಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಣ ಗೊಜ್ಜಂದ್ರೆ ಗೊಜ್ಜು, ಒಣ ಬಂಡಿ ನಿಂದಿರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳಕಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ತಾನ ಯಾವ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಚಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಯಾರೇ ತೀಸ್ಮರ್ಕರ್ ಇರಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ
ಹಾಂ ಈಗ ಪೂರ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಳ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ರ ಏನದ ಸಟ್ ತಿಪ್ಪಿಯಾವ ಹುಳು ಹುತ್ತುವ ನೀರವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಮನಿ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮನಿ ಚಿಮ್ಕೋಡು ಎಂಟು ಮನಿ ಐತಾ ಇದು ಏನ ನಮ್ಮ ಉಮರ ಅದರ ಕಟಾಸ್ತು ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ನಡೀತಾರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರ ನಡೀತಾರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರ ನಡೀತಾರ ನಾನು ಉಮಾರಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬರಲಿ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ ಹಾಡ್ತೇನೆ ನಾವಿ ತೆಗಿಯಲತ್ತಿದೆ ತಿಪ್ಪಿ ಬಿ ತೆಗಿಯಲತ್ತಿದೆ ಮನಾರ ಬಂದಾರ್ರಿ ಯಾರಿಗಂತ ನೆನಪು ಪಂಚದವರೇ ಬರ್ತಾರ ಪಂಚದವರೇ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ನೀವು ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತಾರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಞೂ ಅಲತ್ತಾರ ನಡಿಲತ್ತಾರ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕ್ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ ಕರೋಕಾರ ಉನ್ಗೆ ಹಮಾರ್ ಮುನ್ಕೆ ಜಗೇನಿ ಹಮಾರ್ ನೀ ಹೋನ ಉನ್ಗೆ ಜಗ ಉನ್ ಕ್ಯಾಕ್ಯಂ ಕರ ತೆಗೇವನಿ ಸಾಫ್ ಕರ್ಕೊತಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏ ಕಚ್ರ ಹೇ ಸೀದ್ ಹೇ ಬಚ್ಚೆ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೆ ಏ ಬೋಸ ಇದ್ರಿಚಾತ ಪಾನಿ ನಾಲಿಗೆ ಪಾನಿ ಇದ್ರಿಚಾತ ಪಾನಿ ಸಹ ತಬೇತ ಖರಾಬ್ ಹೋಗಿ ಲಗಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಮಹಿನಾ ಬಿಮಾರ್ ಪಡ್ನೆ ಲಗಿ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಸಾಫ್ ಕರೋ ಬರ್ತ ಕುಚಿ ನೀ ಹಮಾರ ಕುಚಿ ಉನ್ಕೆ ಜಗೆ ಸಹ ಹಮಾರ ಲೆನ್ ದೇನ್ ನಹೀಂ ಕುಚಿ ಅಬ್ ಸಮಾಚಾರ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೋಂ ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇ ಘೋಷಣಾ ಕಿ ಕೆ ಅಗಲೇ 10 ವರ್ಷೋಂ ಕೋ ನೀರಾವರಿ ದಶಕ ಕಾ ಸಿಂಚಾಯಿ ದಶಕ ಘೋಷಿತ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಜಿಸ್ಕೆ ದೌರಾನ್ 10 ಲಾಖ ಹೆಕ್ಟರ್ ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿ ಕೋ ಸಿಂಚಾಯಿ ಕೆ ತಹತ್ ಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಯೋಜನಾಓಂ ಕೋ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ದಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ರಾಜನ್ ನೇ ಸಿಂಚಾಯಿ ಕೆ ತಹತ್ 40.66 ಲಾಖ ಹೆಕ್ಟರ್ ಲಾನೆ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಖಾ ಹೈ ಅಬ್ ತಕ 30 ಲಾಖ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕೋ सिंचाई के तहत कवर किया गया है और शेष 10.66 लाख हेक्टर शुष्क भूमि को अगले 10 वर्षों में सिंचाई के तहत लाया जाएगा डबल इंजन सरकार लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त धनराशि देगी नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने मलखेड़ सम्मेलन में लंबानियों को आवासों के टाइटल डीड बांटने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय ले रही है सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कांग्रेस ने ही लंबानियों को घरों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तय की थी भाजपा सरकार ने सिर्फ हमारे द्वारा तैयार भोजन परोसा है प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने मोदी को टाइटल डीड बांटने के लिए सम्मेलन में ये कहते हुए आमंत्रित किया कि उन्होंने एक अधिनियम बनाया है और ठंडा को राजस्व गांव में बदल दिया है जबकि ये एक झूठ है वास्तव में पिछली कांग्रेस सरकारों में राजस्व मंत्री रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और कागोडो थिम्मप्पा ने टाइटल डीड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी उच्च शिक्षा मंत्री सी एन अश्वथ नारायण ने कहा कि भाजपा 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कदम उठाएगी नारायण ने एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि सभी मुसलमान खराब हैं लेकिन हमारी पार्टी कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति में शामिल नहीं रही है जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया एक समुदाय को लुभाने के लिए करते हैं उन्होंने कहा हमने कभी नहीं कहा कि हैदर अली अपने बेटे टीपू सुल्तान की तरह कट्टर था हैदर अली एक अच्छा शासक था जबकि उसका पुत्र कट्टर और कन्नड़ विरोधी था इसी तरह बहुत सारे मुसलमान हैं जो अच्छे मुसलमान हैं हम उन्हें अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और उन्हें इस चुनाव में हमें वोट देने के लिए राजी करेंगे बीजापुर शहर में आज जनता दल एस द्वारा एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया लेकिन उससे पहले शहर की ऐतिहासिक गोल गुंबद से पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी पार्टी के राज्याध्यक्ष सी एम इब्राहिम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सार्थकों के साथ पैदल पदयात्रा निकाली जो दरबार हाईस्कूल ग्राउंड पहुंचकर समाप्त हुई और नेताओं ने संबोधन किया इस अवसर पर विधायक देवानंद सहित अन्य पार्टी के नेता पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ 8 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾಪ ರೋಕ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಜಲ್ದ ಲೌಟತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆ ಬಾದ್
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ट्रिपल 9452839208 4822197। अब देखते हैं देश और विदेश के समाचार। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष और कोचों पर गंभीर आरोप लगाने वाले रेसलर्स और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच कल रात करीब 4.25 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही है। कल रात करीब 10 बजे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई रेसलर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर डिनर के लिए पहुंचे। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के DG संदीप प्रधान भी मौजूद थे। देर रात करीब 2 बजे खिलाड़ी बाहर निकले, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। दो कारों से निकले एथलीट्स ने अपनी गाड़ियों के शीशे बंद किए हुए थे और मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार कोई भी कार्रवाई करने से पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अपनी बात रखने का मौका देगी। कुश्ती महासंघ के पास जवाब देने के लिए शनिवार शाम तक का वक्त है। आज खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देंगे या नहीं, ये इस बात से तय होगा कि खेल मंत्री के साथ होने वाली बातचीत में क्या तय होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। कल शाम यात्रा मशाल जुलूस के साथ जम्मू कश्मीर के लखनपुर में दाखिल हो गई। पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनके पूर्वज इसी धरती से थे, उन्हें लग रहा है कि वो घर लौट रहे हैं। वहीं इस बीच आज शुक्रवार को जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची तो राहुल गांधी केवल टी शर्ट में नजर नहीं आए बल्कि जैकेट पहने हुए दिखे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कड़ाके की ठंड में भी केवल टी शर्ट पहनने को लेकर खासी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन कठुआ आते ही राहुल ने अपने इस लुक को त्याग दिया। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में एक भयानक हादसा हो गया। शिवकाशी में पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री के केमिकल मिक्सिंग रूम में विस्फोट हो गया, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंचे दमकल और बचाव सेवा के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान थिरुथंगल के जी रवि 60 वर्षीय के रूप में हुई है और घायल ए सैमुअल जयराज 48 वर्षीय भी उसी क्षेत्र के हैं, जिन्हें झुलसने की वजह से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CM MK स्टालिन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुर्घटना में मारे गए रवि के परिजनों को मुख्यमंत्री जन राहत कोष के तहत 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की एक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के 8 साल पुराने एक मामले में BJP के विधायक रामदुलार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रामदुलार गोंड सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की कोर्ट ने इस मामले में कई बार तलब किए जाने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक रामदुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दो हिंदू मंदिरों में हाल में की गई तोड़फोड़ की निंदा करते हुए भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने मामले को वहां की सरकार के सामने उठाया गया है और उम्मीद करते हैं कि दोषियों के खिलाफ जांच और जल्द कार्रवाई होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक
ब्रीफिंग के दौरान कहा, हम कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानते हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में तोड़ा गया है। हम इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। इन घटनाओं की ऑस्ट्रेलियाई नेताओं, समुदाय के लोगों और वहां के धार्मिक संघों द्वारा सार्वजनिक रूप से निंदा की गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पठान के साथ नहीं, पहले ही रिलीज होगा तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर। मेकर्स ने नए पोस्टर संग किया ऐलान। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जीत के बाद भी टीम इंडिया को भारी नुकसान, अब करनी होगी भरपाई। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। यूपीआई भुगतान के मामले में सबसे तेज सुरक्षित तरीका माना जाता है। वहीं डिजिटल क्रांति के बाद यूपीआई का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। वहीं अभी तक उपभोक्ता इसके जरिए मनचाहे पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट तय कर दी गई है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। सविता महर्षि एवं मड़ीवाल मछिदेवा की जयंती मनाने के लिए प्रारंभिक बैठक। बिदर दक्षिण क्षेत्र के मुन्नाखेली में आप द्वारा बाइक रैली निकाली गई। सीएम मुंबई ने अगले 10 साल को सिंचाई का दशक घोषित किया। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस का बनाया खाना परोस रही है, सिद्धरामैया ने कहा। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि सभी मुसलमान खराब हैं, कर्नाटक के मंत्री अश्वथ नारायण ने कहा। पहलवानों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात का आज राउंड टू, कल बेनतीजा रही बातचीत। टी शर्ट छोड़ जैकेट में आए राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जम्मू कश्मीर के कठुआ। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।